शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकनाथं मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुणध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं कार्तिक मास की कथा का 12वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी एवं तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कार्तिक मास महात्म्य की कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की कथा का 12वां अध्याय। धर्मदत्त ने विष्णु पार्षदों से पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में त्रिणविंदु की कन्या देहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्रों का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लड़ाई पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन का बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को साप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के साप को सुनकर विजय ने भी साप दिया, तुमने मत से भ्रांत होकर सापों को दिया है, इसलिए तुम मातांग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से साप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन सापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडक नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडक नदी गया तो उस समय ग्रह ने साप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और ग्रह धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब शिवा स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़ करना यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ ही है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। तब राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी,
यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। चाक्षुषु मन्वंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथासमय यहां नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाई ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाई ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाई ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के साप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को साप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही साप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो साप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। चूंकि यह साप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए यह साप तुम वापिस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह साप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य मेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनाएगा या सुनेगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। तो इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आगे की कथा मैं कल लेकर आता हूँ। तब तक के लिए भगवान विष्णु का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।